हे गाइस, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं मायके आई हुई हूँ। तो हम क्या करते हैं ना, जितनी भी गर्ल्स होती हैं जो मायके आती हैं शादी के बाद, तो हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। तो मेरे पास मेरा गलती से बोलो सडनली एक कॉल आया कि तू आई हुई है। मैंने कहा हाँ। अरे मैंने कहा चल आ जा मिलते हैं। तो ये है मेरी रोड जहाँ हम रहते हैं। तो अभी गली बन रही है, तो कुछ पत्थर डले हुए हैं, इस तरह से नालियाँ बन चुकी हैं, दोबारा से रोड बनेगी अब। और ये है मेरी खास आंटी जो बहुत टाइम से, मतलब शादी से पहले से मेरे साथ रह रही है, तो हमेशा मेरे साथ चलती है। तो यहाँ आ गई हूँ मैं उसके पास, और ये है वहाँ पे जहाँ रहती है वो, तो आने वाली है वो। तो मैंने कहा ले आ गई। बोलो बड़ा अच्छा लगता है यार, मतलब ना अपनी फ्रेंड लोगों से मिलना, पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो ये मुझसे बहुत छोटी है, छोटी बहन की तरह ही समझो। फिर हम चल पड़े नाइट वॉक करने, और आंटी तो हमेशा मेरे साथ रहती है, तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मैं आंटी को लेके ही चलती हूँ। तो ये हम आ गए पीछे, दुर्गा मंदिर वाली गली है हमारे। तो यहाँ पे ना मतलब पुराने दिन याद कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एक दूसरे से कि कितना अच्छा लगता है ना यार शादी के बाद, काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। फिर हम थोड़ा आगे चले कि यहाँ पे ना जागरण हो रहा था, तो हमने कहा चलो चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, तो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ। तो यहाँ पे आंटी मुझसे पूछ रही थी कि तू पैसे भी लेके आई? तो वैसे मैं पैसे रखती नहीं हूँ हाथ में, तो उस दिन पता नहीं कैसे मेरे पास पैसे थे हाथ में। तो हम चल पड़े माता रानी के पास, उनको भेंट चढ़ाई और लिया उनका आशीर्वाद। तो मैं सोच रही थी यहाँ पे शारवी होती तो कितना खुश होती, क्योंकि शारवी को ना जागरण अटेंड करना और वहाँ पे मतलब जो झांकियाँ आती है शारवी को बहुत पसंद है, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो हम ला नहीं सकते थे। फिर हम घर की तरफ चल पड़े, और घर जाकर देखो शारवी ने क्या कर रखा है। कूलर चला दिया मैडम ने। अरे यार देखो नानू को कहाँ बैठा लेटा रखा है नीचे, नानू को कहाँ लेटा रखा है नीचे। अच्छा चीज गिर गई होगी, उसको उठाने के लिए नानू को लेटा दिया जमीन में। नानू खाओगी?